धिक्कार है ऐसे मंत्रियों पे भाई, देश की जनता पर ध्यान नहीं दे रहे भाई, देश आज बर्बाद हो गया। बताओ मैं अकेले कितना आवाज उठा सकती हूँ, वेरी बैड। लोग यहाँ पे कितना मर रहे हैं, अभी यूट्यूबर जो थे राहुल वोरा, राहुल वोरा वो ये संभावना के डैडी, कितने आर्टिस्ट यू नो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ईश्वर ना करे कभी मेरी माँ को, परमेश्वर ना करे कभी कुछ हो, किसी के भी माँ बाप को कुछ ना हो, यू नो कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का। देश चलाते हो तुम लोग भाई, देश नहीं चला सकते तो रिजाइन दे दो ना, पावर आप लोगों के हाथ में, ऑक्सीजन तो कहीं से भी किसी भी देश से मंगा सकते हो। मैं तो कहती हूँ सलमान खान और सोनू सूद को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि असली हीरो तो वो ही है सोनू सूद। सबसे ज़्यादा कितना लव करते अपनी कंट्री से, अपने लोगों से, सलमान खान, ये अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये लोग देखो कितना प्यार करते हैं अपने देश की जनता से। आज उन्होंने 2 करोड़ ये डोनेट किया अमिताभ। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं मंत्री, क्या कर रहे हैं लोग, ये सारे मंत्री कर क्या रहे हैं, पैसा जा कहाँ है डोनेट कहाँ। अभी अभी नीना गुप्ता जी का वीडियो मैंने देखा, ऑक्सीजन के पैसे भी चोरी हो रहे हैं। क्या है भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी गोदाम में भर रहे हो सात पुश्त की, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें धरती माता माफ़ करेगी, तुम्हें क्या लगता है कि जो बच्चों की माएँ पिता उनके सर के सहारा निकल गया है क्या वो तुम्हें माफ़ करेंगे। मंत्री लोगों को सिर्फ ये मेरे मैसेज सारे मंत्रियों को है, क्या देश की जनता जो इस कदर मौत में मरी है, जिनका हम क्या थे अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते, क्या वो माफ़ करेंगे, क्या ईश्वर आपको माफ़ करेंगे। आपको क्या लगता है आप सात पुश्त के लिए सारे पैसे भर के रखे हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को वो कमाई खिला पाएंगे। क्या हमारे लोग जो देश की गरीब जनता, जो गरीब हो या अमीर हो, किसी को भी ऑक्सीजन वैक्सीन नहीं मिल रहा, क्या तुम्हें लगता है कि इनकी आत्मा नहीं भटकेगी, इनकी आत्मा नहीं भटकेगी। आपको लर्न करना चाहिए, देश की जनता को लर्न करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखना चाहिए, सोच समझ के वोट दो, एक लहर में मत घुसो, वेरी बैड। आज मेरा दिल रो रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सलमान खान जैसे महान मसीहा, सोनू सूद जैसे महान मसीहा, इन लोगों को चुनो परमेश्वर, देश की राजगद्दी इन लोगों के हाथ में दो, ना कि पाखंडियों के हाथ में। दोस्तों मुझे जो कहना था मैंने किया है, कहा है, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे देश की जनता ऐसे कीड़े मकड़ों के जैसा मर रही है। ये दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन, ये तो अभी दूसरी लहर है, तीसरी लहर के लिए आप लोग रेडी हैं क्या, हमारे देश के मंत्री तीसरी लहर के लिए रेडी है।